हाय गाइस, दिस इज सौरव राजपूत एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे YouTube के बारे में। जी हाँ, YouTube एक ऐसी अंधेरी गली है जहाँ पे एक ओरिजिनल वीडियो से ज्यादा व्यूज उसके रिएक्शन पे आते हैं। जी हाँ, YouTube जहाँ पे आप स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे धर्म का मजाक बना सकते हो। So few years back there was a movie called Filari, remember? Yes. Yeah. And the censor board banned Hanuman Chalisa because it failed to scare away the ghost. मैंने कहा अगर हनुमान चालीसा से एक दो भूत नहीं भी भागे तो क्या? Even Dettol kills 99.99% Peter. Dettol भी 100% नहीं मारता। अब देखो, Dettol का सब्स्टिट्यूट है, Dettol नहीं तो Lifebuoy चलेगा, हनुमान चालीसा का है क्या? नहीं, now I'm afraid एक दिन भूत मेरे सामने साथ है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में पीछे सवाल है, ए बंटे तेरा हनुमान चालीसा स्लो है क्या? प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, पता किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सब। कौन आएगा तुम्हारे पास करवाने अगर तुम आदमी के सर की जगह? क्या ये मेरी ये टांग की प्लास्टिक सर्जरी, उन्हें गधे की टांग लगा दी उसकी, वो धुलत्ती मारता घूम रहा है। जी हाँ, YouTube जहाँ पे आप किसी हेट के चलते किसी की पहली वीडियो इंडिया ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ला सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे हम तो डिसलाइक देने गए थे, रिकॉर्ड बनाया मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो का। तो मैं आपको बता दूं, डिसलाइक देने से आपका तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसको इतनी रीच मिल गई कि वीडियो ट्रेंड कर गई, और जिसके लिए गए थे उसकी वीडियो कभी ट्रेंडिंग पे नहीं जाती, और वीडियो बाय वीडियो डिसलाइक कम हो ही जाते हैं। तो स्मार्ट मूव इसने खेला उस टाइम पर वीडियो डालकर, इसीलिए बोलता हूं डिसलाइक भी देने मत जाया करो, व्यू तो व्यू होता है, समझ रहे हो? एनीवेज, जी हाँ, YouTube जिसने हमको दिया हिंदुस्तानी बाव उर्फ विकास फाटक उर्फ एक मीम, जी हाँ एक मीम मटेरियल जो अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो इस विकास को देखकर इस फील्ड में इतना विकास हुआ कि हमें ये सब देखने को मिले। जी हाँ, YouTube जहाँ पर ये वीडियो जिसका सारा पैसा डोनेशन में जाना था, इससे ज्यादा लाइक एक रोस्ट वीडियो का है, और बीबी ने टारगेट भी रखा था। वैसे तो मैं ये सब करता नहीं, लेकिन अगर समझ आया तो इस वीडियो पे 5 मिलियन लाइक कर देना, और इस वीडियो का जितना भी पैसा है वो मैं अलग अलग जगह वेरीफाइड जगहों पे डोनेट कर दूंगा। अब तुम्हारे हाथ में है भाई, तुम्हें लड़ाई देखनी है लड़ाई देख लो। और भाई ने उस वीडियो का सारा पैसा डोनेट भी किया, अगर लाइक्स ज्यादा होते शायद 5 लाख की जगह 10 लाख भी डोनेट हो जाते। एनीवेज, जी हाँ, यूट्यूब जहाँ पे एक टेक्निकल चैनल का सेकंड चैनल व्लॉग चैनल है, जहाँ पे वो महीने का एक वीडियो डालते हैं, लेकिन इनके सब्सक्राइबर 2 ब्लॉगर्स के मेन चैनल से ज्यादा हैं जो रोज वीडियो डालते हैं। जी हाँ, यूट्यूब जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी की ट्रेलर को 60,000 डिसलाइक है, और हाँ यहाँ पे लोग किसी की डेथ का यूज लाइक्स के लिए करते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जी हाँ, यूट्यूब जहाँ पे लोग ऐसे दोगले लोगों को देखते हैं जिन्हें किसी के जीने मरने से नहीं अपने व्यूज से मतलब है। सुशांत, मैं आज बहुत दुखी भी हूं और तुम्हें बहुत मिस भी कर रहा हूं। आई लव यू ब्रो। एक्टिंग सुशांत को आती नहीं है, मेरे ख्याल में एकता कपूर पे बहुत बड़ा फाइन होना चाहिए जिन्होंने उनको एक्टर बनाया है। इवन साजिद नडियाडवाला जैसे प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी फाइन होना चाहिए जो उनको 8 करोड़ रुपए देते हैं। जब आप एक 8 लाख के एक्टर को 8 करोड़ दोगे तो जाहिर सी बात है उस बेचारे को कैसे पता लगेगा कि उसको क्या आता है या क्या नहीं आता, वो तो अपने आप को शाहरुख खान से कम बिल्कुल नहीं समझेगा। सुशांत सिंह ने यहाँ बहुत ही खराब एक्टिंग की है, पूरी फिल्म में उनके चेहरे पे कहीं भी एक्सप्रेशन का नामो निशान नहीं है, उनको सिर्फ ये पता है कि मुंह को कैसे बनाना है। सुशांत सिंह का आपको पता ही है कि वो कितनी लाजवाब एक्टिंग करते हैं, 1 मिनट में 15 दफा मुंह बनाते हैं। पता नहीं किसने बता दिया इस लड़के को कि यही एक्टिंग है। और ये सारे एक्टर ऐसे हैं कि इनमें से किसी की भी 5 मिनट कंटिन्यू शक्ल अगर देख ले तो आदमी ऐसे ही पागल हो जाए। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको एंटरटेन कर पाए। इस फिल्म को देख करके आप बाहर सिर्फ पछताते हुए निकलेंगे, खुश होकर तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार। और ये सारे एक्टर ऐसे हैं कि इनमें से किसी की भी 5 मिनट कंटिन्यू शक्ल अगर देख ले
तो आदमी ऐसे ही पागल हो जाए। चल हालांकि इसका ओपिनियन मैटर नहीं करता, लेकिन इसके 6 लाख सब्सक्राइबर में से कितने ही इसका रिव्यू देखकर छिछोरे जैसी मास्टरपीस मूवी देखने नहीं गए होंगे। तो पॉइंट यही है कि हमारी ऑडियंस को समझने की जरूरत है कि क्या सही है क्या नहीं। एनीवेज, जी हाँ, इंस्टाग्राम जहाँ पे डिंचक पूजा और लता जी में बस 1 लाख फॉलोवर्स का फर्क है। अब यार ये तो अगली